संसार में करोड़ों पक्षियां पाए जाते हैं और उनके लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का नाम हम और आप जानते हैं और कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनके बारे में हमने ना तो सुना है और ना ही देखा है। आज हम एक ऐसे ही पक्षी की बात करने वाले हैं जो आपके आसपास होता है लेकिन जिसके पास जाने से भी आप डरते हैं। स्वभाव से यह आक्रामक नहीं होते लेकिन देखने से यह डरावना लगता है और विश्व की एकमात्र ऐसी पक्षी जो अंडे नहीं बच्चे को जन्म देती है और यह स्तनधारी होता है जिसका नाम चमगादड़ है। इंग्लिश में इसे बैट कहते हैं और इसके ऊपर कई मूवी बन चुके हैं जैसे कि बैटमैन और हाल ही में एक वायरस फैला था कोरोना नाम का जिसे कौन नहीं जानता है, जिसने पूरे विश्व को संकट में ला दिया था। उस वायरस का जन्म भी इसी पक्षी से बताया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चमगादड़ यानी कि बैट एक ऐसी पक्षी है जो विश्व के हर गांव, शहर और कस्बे में पाया जाता है। हालांकि यह पक्षी स्वभाव से काफी शांत होता है और यह रात में ही बाहर निकलते हैं क्योंकि यह दिन में देख नहीं सकता है। सूरज की रोशनी इनकी आंखों की रोशनी को छीन लेता है और यह रोशनी में देख नहीं सकता है, इसीलिए अंधेरे का बादशाह होता है। अंधेरा इसे बेहद पसंद होता है और अंधेरों में ही यह रहता भी है। चमगादड़ अक्सर आपको पेड़ों या गुफाओं में नजर आएगा और इसको जब भी देखेंगे ये उल्टा लटका हुआ मिलेगा, जिस वजह से लोग इसे काला जादू से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इनके उल्टे लटकने के पीछे एक वजह है। चमगादड़ उल्टे लटकते हैं क्योंकि उल्टे लटके रहने से वे बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। पक्षियों की तरह वे जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उठान नहीं देते हैं और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते, जिस कारण से ये उल्टा लटका है। बात करें चमगादड़ की प्रजातियों की तो यह विश्व में 2000 से ज्यादा प्रजातियों में है, लेकिन इसको भोजन के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला समूह फल भक्षी बड़े चमगादड़ का होता है जो देखकर और सूंघकर अपना भोजन ढूंढते हैं, जबकि दूसरा समूह कीट भक्षी छोटे चमगादड़ का होता है जो प्रतिध्वनि द्वारा स्थित निर्धारित विधि के द्वारा अपना भोजन तलाशते हैं। बात करें इसकी आकार की तो यह 30 मिलीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक का होता है। वहीं इसका वजन 2 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक का होता है। सबसे छोटी चमगादड़ का नाम बम्बलबी वैट है जो दिखने में बेहद ही छोटा होता है, जिसे देखकर इंसान को विश्वास नहीं होता कि चमगादड़ इतना भी छोटा हो सकता है। वहीं सबसे बड़ी चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अधिकतर बड़े चमगादड़ फलाहारी होते हैं यानी कि फलों का रस पी के रहते हैं। वहीं अधिकतर छोटे चमगादड़ कीटोहारी होते हैं यानी कि छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है और स्तनधारी प्राणियों का खून भी पीता है, इसीलिए इसे वैम्पायर बैट्स भी कहते हैं। विश्व में चमगादड़ की सबसे अधिक संख्या अमेरिका में पाया जाता है। चमगादड़ की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है और इस गुफा में लगभग 2 करोड़ चमगादड़ पाए जाते हैं जो रोज 1 लाख किलो खटमल को खा जाता है। बात करें चमगादड़ की उम्र की तो यह लगभग 40 साल की उम्र तक जीवित रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है चमगादड़ का जन्म डायनासोर के समय में हुआ था। जिस चमगादड़ के बारे में अभी हमें पता है वह करीब 3 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।